गाड़ी चेक करो यार, क्या गाड़ी है। ये सारी इंडिया से मिली है ऑलमोस्ट। और मैं ऐसे ना मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करता जो उस जगह की, पोपट पे पोपट होए जा रहे हैं भाई। काश हमने रात को मैप देख लिया होता। ये होता है गूगल मैप फॉलो करने का रास्ता, हमें डेड एंड पे लाके फेंक दिया कुत्ते ने। 800 सीसी बीएमडब्ल्यू जीएस। तो भाई अगर आप थाईलैंड आके टुक टुक में नहीं बैठे तो आपने कहीं नहीं बैठे। देख लो एक बार, ये है चांग माई में घूमने की जगह है। थाईलैंड में भी डेट है 29, देखो 66 ईयर चल रहा है भाई। बस बस चल पड़ी है हमारी, अब हम निकल रहे हैं पाए। सो एक रेडी पीपल, आई होप यू ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनिष्क, आई एम एन आर्टिस्ट आल्सो अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो आज है हमारा डे 9 इन थाईलैंड। फिलहाल अभी मैं हूँ चांग माई में भाई, यहाँ पे भी 3 दिन हो ही गए ऑलमोस्ट। हमें जहाँ भी जा रहे हैं 3 दिन तो लग ही जा रहे हैं, बट आज हमारा प्लान है भाई चांग माई का नेशनल पार्क विजिट करने का। अराउंड यहाँ से 15 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। तो ऑल दो हमने कल स्कूटी फिर से दो दिन के लिए रेंट कर ली थी। स्कूटी बढ़िया, क्या करें। हाँ स्कूटी बहुत बढ़िया है, और ऊपर से हम लेट हो गए थे। तो हमने कहा फिर अब जब लेट हो ही गए तो 40 बात 1 घंटे का मांग रहे थे हम, 4 घंटे लेट हो गए थे। ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे इंटू 40 200 पूरा 24 घंटे का नहीं बंदा। हमने कहा कि पूरे 24 घंटे के लिए ही ले लेते हैं, कल नेशनल पार्क जाएंगे तो वहाँ भी घूम लेंगे इससे बढ़िया। तो चलो भाई हम निकल रहे हैं नेशनल पार्क। ऑल दो हम रेडी हो चुके हैं सब, पहले जाएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे 7-Eleven से ही, और उसके बाद हम चलेंगे फिर सीधा नेशनल पार्क। उसके बाद शाम की हमारी ट्रेन है, हम जाएंगे वापस बैंकॉक। भाई फिलहाल बज रहे हैं अराउंड 1 समथिंग 1 o'clock हो गया, और हम आए ब्रेकफास्ट करने। ये भी खा रहा मैं तो सैंडविच ही ले रहा हूँ, ये तो मैं वैसे ही खाता। अच्छा भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए, सैंडविचेस मिलते हैं बढ़िया बढ़िया मस्त, हमने बहुत खा लिया है। और क्या खाया हमने, और चॉकलेट और कॉफी शॉफी पी ली। सैंडविच खाया और एक खाया पालक का सैंडविच, मेरी फेवरेट पालक। तो चलो भाई चलते हैं इस पे धन्नो पे हमारे, या हर जगह ओलिव ही ओलिव है। तो गाइस नेशनल पार्क का ना प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है। भाई साहब को एक काम दिया था हमने कल कि भैया देख लेना कितना टाइम लगेगा, इन्होंने देख लिया नेशनल म्यूजियम, तो वहाँ पे वो 15 मिनट दिखा रहा था। और नेशनल पार्क है यहाँ से अराउंड 2 घंटा दूर, 100 किलोमीटर। और भाई शाम को हमें 4 बजे स्कूटी भी वापस करनी है, और उसके बाद हमें वापस बैंकॉक के लिए भी निकलना है। तो अगर हम बहन 2 घंटा दूर जाएं, 2 घंटा वापस आएं, 4 घंटे ये गए, और अंदर घूमने का वो बहुत बड़ा है, वो मान लो आप 3-4 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे अंदर ही। तो भाई ये तो पूरा दिन ही हमारा ख़राब हो जाएगा अगर हम वहाँ पर जाते हैं। फिर हमने कहा वो ना चल के जो इसने देखा है नेशनल म्यूजियम में आपको दिखा देते हैं यहाँ का, तो हम जा रहे हैं नेशनल म्यूजियम, तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। और ऑल दो अगर रात में आना हो किसी ने तो नेशनल पार्क भी आ जाना, बहुत बढ़िया जगह है। हमें कल पता नहीं, जब हम कल चांग राई के लिए निकले थे ना, एक जगह एक बहुत बढ़िया सा वो पॉइंट आया था वाटरफॉल पॉइंट, और हम उसके सामने ही खड़े थे नेशनल पार्क के। अगर हमें पता होता हमने एक दिन और रुकना है, और अगर वहीं पे सामने ध्यान पड़ता कि वही है तो पहले वहाँ जाते फिर चांग राई जाते, फिर चांग राई जाते हम। कोई नहीं, बस जो लिखा है वही होना होता है। आप ले लो चांग माई के नज़ारे, दिस इज द स्ट्रीट ऑफ चांग माई, और यही स्ट्रीट सीधा चांग राई भी जाती है। ना कोई जंप करेगा ना कोई कुछ, ऑल दो कुछ लोग हेलमेट नहीं भी पहनते बट यहाँ पर, बट फिर भी रेड लाइट नहीं ब्रेक करते। बंदी के साथ कौन किसी से मिलता है, हम दो छड़े तो इतने अच्छे से मिला वो स्पोर्ट्स बाइक से उतरती है। बंदे बंदे बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगा वो बंदा भाई, और मुझे लगा कि अक्कड़ उक्कड़ इतने टैटू टूट उठे उसकी बॉडी में, लगा होगा एटीट्यूड वाला। और उसने जैसी अपनी जुबान खोली अगले की जुबान से प्यार ही बरस रहे थे। ये तो है भाई, यहाँ के सारे बंदे जितने भी आज तक मिले मुझे सब मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करे। कोई कोई है बुरे भी है, देखो इंडिया में भी ऐसा चलता है सब अच्छे बुरे, वहाँ पे यहाँ पे भी है भाई। हल्दा देखो कितना शांत, ये तो जो हम देख पा रहे हैं ये सब इसको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है ये सब चीज़ें घूमना, ऐसी एस्थेटिक प्लेस आना। वो जो हमारे साथ लास्ट एक पिंडू था ना, पांडू जो भी था आपने लास्ट व्लॉग में देखा, उस कुत्ते के चक्कर में आधे
समय आधा पैसा हमने पार्टियों में खराब करना पड़ गया उसके चक्कर में। नहीं तो अब तक फर्क नहीं पड़ता, वो चीज भी एक हमने एक्सप्लोर करी। हाँ, मैं तो पहले भी आया हूँ पर इसके लिए वो चीज हाँ, एक्सप्लोर थी। पर ये है ना कि एक जगह पे बार बार कितनी बार, कितनी बार, वही बात है। वो बंदा ये करने ही आया था। पैसों वैसों की बात नहीं है यार, समय भी एक चीज होती है, वो हमारा वेस्ट हुआ। चलो भाई ना से भला कुछ बोला, आपको दिखाते हैं हम नेशनल म्यूजियम। तो आर्ट पॉकेट हो गया यहाँ पे, अभी हमने लोकल में जस्ट बैग रखा है और क्या सुनने को मिल रहा है, अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते, फोटो नहीं ले सकते। चलो कोई नहीं, मैं देख कर आता हूँ, आपको आके बाहर आके बताऊँगा कैसा है। ना थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं, ये है यहाँ के एंटिक पीसेस। अलाउड नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई सामने का मतलब कितना बड़ा हो रहा है, ये जो जितने इन्होंने सब यहाँ पे स्टैचूज खड़ी करी हैं ये सारी इंडिया से मिली हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, मथुरा हो गया, मथुरा से मोहन जोदाड़ो की जो सभ्यता है सिविलाइजेशन, वहाँ से कंधारा ये अफगानिस्तान, हाँ हड़प्पा से सिविलाइजेशन के टाइम का है, उज्जैन अमरावती वाराणसी म्यूजियम नालंदा श्रीलंका और थाईलैंड में है, और चाइना साउथ में चाइना में थे बाकी सब। हाँ ठीक है, सिंगापुर सिंगापुर इंडिया में काफ़ी सिंगापुर भाई विजिट करके आ चुके हैं चांग मई का नेशनल म्यूजियम। भाई अंदर ना फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था काफ़ी जगह पर, ऑल दो मैंने थोड़ी बहुत ली है, जहाँ पर अलाउड था वहीं मैंने लिए। और मैं ऐसे ना मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करता जो उस जगह की, क्योंकि भाई जहाँ मना किया गया है वो ना ही दिखाया। और एक तो भाई आज क्या है, आज मेरे ख्याल वेडनेसडे है, तो आज ना ये फ्री था, इसकी फ्री टिकट थी, कोई टिकट नहीं थी, ये भी बेनिफिट हो गया हमें। और अब देखते हैं कुछ और, देखते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं यहाँ से। तो भाई म्यूजियम से तो फ्री हो गए थे, तो हमने कहा भाई हमारी ना एलिफेंट सेंचुरी मिस हो गई थी, सेंचुरी विजिट करना मिस हो गया था, तो हमने कहा सो क्यों ना वो ही देख ले जाए। तो फिलहाल वहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भी दोबारा यू टर्न मारना पड़ गया गलती से, इतनी लंबी रेड लाइट है पूछो मत, पूरी स्ट्रीट ही जाम है भाई, चार तो पागल ही हो गए होंगे गाड़ी बैठे बैठे। और भाई यहाँ देखो पूरा मतलब ये गाड़ियाँ ना ये कछुए हैं कछुए, यहाँ जो स्कूटी भाई आ रहा है वो राजा है, हम ये देखते हैं ना तो चला सकते हो कुछ, और क्या पीछे सबका प्रॉब्लम मिलेगा आपको, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत स्कूटी का गैप छोड़ना ही पड़ेगा दोनों तरफ यहाँ पे भी दोनों तरफ भी स्कूटी वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं यहाँ के, हमारे वहाँ ऐसे करते हैं जो हमें पड़ा है भाई हमारे एक्सचेंज रेट से 2.5 के हम करवाए। तो सीन ऐसा हुआ यार कि हमने एलिफेंट सेंचुरी का पता कर रहे थे और हमने गूगल पे ऐप पे डाला, तो वो बार बार ना ऑफिस ही ऑफिस दिखाई जा रहा था यहाँ पे एलिफेंट सेंचुरी बुकिंग कराने के ना ऑफिस, देखो जैसे सामने ही है, तो हमेशा हर बार यहाँ पे लेके आ जाता हमें। हमने पूछा चक्कर क्या है, फिर अभी किसी एक ऑफिस वाले से पूछा मैंने, तो वो कह रहे हैं ये एक टूर पे लेके जाते हैं और यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव है, पूरा डे का टूर होता है और छोटे से छोटा है अराउंड है एक डेढ़ घंटे का, तो उसमें अगर वो निकलती है 2:40 पे और 2:30 पे दो वैन्स निकलती हैं, तो चार्जेस इन्होंने बताया 1600 बात फॉर वन पर्सन। तो एक तो ये भी है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने कहा तो फिर जा तो पाएंगे नहीं, जाना तो वेस्ट ही है। और फिर अब इन्होंने मेरे को एक बताया कि भाई पिंक रिवर करके है, वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ देख के आते हैं। पोपट पे पोपट होए जा रहे हैं भाई, काश हमने रात को मैप देख लिया होता तो साला हम वही जाते, तो मैं बढ़िया से नेशनल पार्क विजिट कराते, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे दोबारा तो जो चीज़ें रह गई आएंगे दोबारा। हाँ कुछ चीज़ें बाद के लिए भी रखनी चाहिए ना कि आए फिर भाई तब जाके देखेंगे। चलो
ये होता है गूगल मैप फॉलो करने का रास्ता, हमें डेड एंड पे ला के फेंक दिया कुत्ते ने। और देखो फंस गया, ओए आराम से कुत्ते मिट्टी उड़ रही है, ओए कबीना सबर कर जा। Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream. भाई आ चुकी है रिवर, पिंग रिवर है, और हमारा आ चुका है दूसरा घर भाई। ये तो है 7-Eleven, सॉरी यहाँ मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलता, खाना तो मिलता है। पितियाँ देखे कुछ बैठते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें ऑल दो 4 बजे स्कूटी सबमिट करानी है, उसके बाद फिर हमें निकलना है। ऑल दो कॉफी पीने का मन था, कॉफी इनके पास थी नहीं, तो हमने कहा भाई ये ले लेते हैं नेस्कैफे। अच्छा अच्छा, ग्लास के ऊपर है क्या, कितना डालना है वो, ये क्या है, कोको बूम, मैं तो आइस टी ले लेता यार। अच्छा ये ग्लासेस बने हैं, इन पे प्राइस लिखे हुए हैं, अब ये लो और जिस ग्लास में भी आप लोगे जो यू हैव टू पे इट। और यार क्या कर दिया, शिट, तो भाई हमने कहा ज़्यादा टाइम तो हमारे पास बचा नहीं है, अराउंड आधा घंटा समथिंग है, तो हमने कहा रिवर ही देख लेते हैं। ये देखो ये रिवर है कुछ, और यहीं कैफेज़ वगैरह बने हुए हैं, यहीं लोग फिशिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये नए आइस टी है, नेस्ले की आइस टी, तो बनाया क्या इसने, क्या किया, थोड़ा सा चोको बूम वो डाल दिया, चोको बूम जस्ट लाइक अ बॉम्ब। मैं बताता हूँ क्या हुआ भाई, मैं ना स्टोरी शूट करता था इंस्टा के लिए, मेरा ध्यान नहीं रहा, इसने बार बार बोल कर भाई बहुत मस्त है मस्त है, और मेरा ध्यान पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ग्लास मेरा वहाँ टच होकर ज़्यादा सा डाला, फिर मेरा ध्यान आया, फिर फटाफट याद करा, फिर मैंने फटाफट इसको आइस टी दोबारा डाला, मतलब ये मिश्रण हो गया कोको बूम को और आइस टी का। भाई भाई कर रहा फिशिंग, देखते रहता नहीं होता कुछ। हे हेलो, वेयर आर यू, इंडिया, या यू फ्रॉम थाईलैंड, चियांग माई, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, थैंक यू। हिंदी बोल रहे हैं भाई, कह रहे मेरा भाई। हाँ भाई आपके लोग हिंदी बोल रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के भी, गुड बॉयज। जैसे कि हमने काफी सारे आ गए, कुछ नहीं आ गए, काफी सारे चीज, बट फिर भी हम जिस पर्पज के लिए आए थे आपको थाईलैंड का अच्छा सा टूर कराने के लिए, मैं करा रहा हूँ, आपने देखा होगा थोड़े बहुत एपिसोड डाल दिए हैं, ब्लॉग लेट हो रहे हैं, ये देखो पहले चेक करो कितनी खूबसूरत होते हैं, अरे की अलग ही वाइब है। तो भाई चेक करो, निकलने को तैयार है हम वापस बैंकॉक के लिए, तो होटल वोटल एग्जिट कर दिया, अब चलते हैं यहाँ से। 800 cc BMW GS है, इसको रेंट करने का प्राइस है 3500 बात, 3500 बात फॉर वन डे, $100 लगा लो, $100 भाई। स्कूटी सही है भाई, ये तो एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक थी, तो इसका इतना ज़्यादा प्राइस है। ऑल द स्कूटी कंफर्टेबल भी रहती है, आप इजी एक्सेस कर सकते हो, और ये वो बाइक के लुक में भी थी, तो हमने इसलिए यही चुना। और ऑल द इसका प्राइस भाई 500 बात है, और उसका 3500, तो ये भी डिफरेंस है भाई, $120 अराउंड। और एक और भाई डॉलर से याद आया, अभी मैंने डॉलर चेंज कराया मैं, तो कल हमें जो रेट मिला था जब मैंने $100 चेंज कराए थे, अराउंड हमें 3400 बात मिला था ना, $100 के मिले थे हमें 3400 समथिंग, और अभी आज फिर मुझे कराने पड़े, कल नहीं कराया था, वो पहले कराया था मतलब जब यहाँ आए थे, और अभी कराया तो अभी हमें रेट मिला अराउंड 33.30 समथिंग, ऐसे कुछ 33.30, हाँ ऐसे कुछ पर डॉलर, और कल मिला था 34.10। हाँ तो भाई ये है, आप यहाँ पे भी चेंज कराओगे तो इसके भी अलग अलग चार्जेस हैं कभी, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है ना रेट, तो इसलिए एवरी सेकंड। भाई हम फाइनली बैठ चुके हैं टुक टुक में, जिसने अराउंड हमसे लिए 40 बात पर पर्सन फॉर रेलवे स्टेशन, तो और जो रेड वाला टुक टुक है वो अराउंड 30 बात चार्ज करता था। अच्छा कोई और है, ये मैरून कलर का था, ये दूसरा था। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम चियांग माई रेलवे स्टेशन, वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और फिर जाएंगे हम वापस बैंकॉक, क्योंकि भाई बैंकॉक तो एक्सप्लोर करा ही नहीं मैंने बिल्कुल भी, न्यू ईयर भी वहीं पर मनाएंगे हम।
तो वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया से भाई। बहुत जगह है बैंकॉक में घूमने वाली, आपको दिखाएंगे, हमने बहुत कुछ डिसाइड कर रखा है, अब देखते हैं। डिसाइड तो बहुत कुछ करा है। अब शिवम, अगर शिवम चोपड़ा आइटनरी हमारी फॉलो करे तो फिर सब ओके है। ये भाई ये बंदा ये वो है, अगर इसको ये चीज पसंद आ गई तो पहले इसमें जाएंगे, दूसरी वाली को बाद में देखेंगे, ये वो कहता है। भाई चांग में हमें छोड़ना पड़ रहा है भाई, बुरा लग रहा है एक्चुअली। जिसके लिए हम आए थे फेस्टिवल के लिए, तो वो नहीं देख पाएंगे। और ऑल तो भाई, अगर हम ऑलरेडी 3 दिन रुक चुके हैं और यहाँ 3 दिन और रुकने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम चियांग राय भी हुआ है। हाँ, वहाँ भी हुआ है, क्योंकि हमारा प्लान जैसे मैंने आपको पहले बताया था फुकेट और वहाँ जाने का था, फिर यार वहाँ की और टिकट विकेट का बहुत चक्कर पड़ा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि मिल नहीं रहा। और फ्लाइट व्लाइट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी भाई, 38,000 50,000 की, इतने की तो हमने यहाँ दिल्ली से यहाँ की कराई है यार, फिर तो ये बेवकूफ़ी होती। पहले 42 की कराई थी इसने, 42,000 की फ़्लाइट कराई है दिल्ली से यहाँ की, और मेरी अराउंड 30 की पड़ी है दिल्ली से यहाँ बैंकॉक। मैंने थाई कराई थी, मैंने स्पाइस जेट कराया, और थाई का मुझे एक्सपीरियंस, मैं जो फर्स्ट टाइम थाई में आया ना, ये तो मेरे को बस उस टाइम से तो प्यार ही हो गया था। कोई नहीं भाई, और मे भी ना ये था कि भाई मैंने थाई के यहाँ के लोगों से पूछा था कि वो फेस्टिवल, वो कहते हैं नवंबर में बनता है इनका लैम्प फेस्टिवल जो होता है, न्यू ईयर पे कह रहे हैं थोड़ा बहुत उड़ा देते हैं बैलून, इतना आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जिस हिसाब से वो जो रीले कटी हुई है, जिस हिसाब से वो रीले फेमस है भाई, रीलों में पागल बना रखा है कि हाँ, न्यू ईयर का सीन, न्यू ईयर का सीन है वो, नवंबर का फेस्टिवल है यहाँ का, फेस्टिवल नवंबर में होता है 25-14 को होता है या तो 25 को होता है, हमें पूछना चाहिए था यार। अरे वो तो कोई बात नहीं, आओ तो कम से कम 10 दिन निकाल के आओ भाई। हाँ भाई, यहाँ क्योंकि थाईलैंड कम से कम 10 दिन बढ़ रखता है, मैं 20 दिन निकाल के आया हूँ इस बार, और मैं 12 दिन, और मैं जब पिछली बार आया था 2 बार तो 8-8 दिन निकाल के आया था, ये लगा लो अगर मैं टोटल में लगाऊँ तो 1 महीना 6 दिन हो गए मुझे। तो भाई हमने कहा कि भाई बैंकॉक में इसलिए हमने कहा न्यू ईयर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिवर पे ना फायर शो वगैरह वो बहुत क्रेजी होता है, होगा तो ऑल्दो पूरे बैंकॉक में ही, थाईलैंड में ही, बट क्योंकि ना वो बैंकॉक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया था और हमारे पास जितने दिन थे तो हमने कहा वो भी जगह देख लेंगे। पताया भी हमने देख लिया, 3-3 दिन ऑलमोस्ट हमने सब जगह लगा ही लिए हैं, और मैंने एक दिन फालतू इसलिए रखा था कि मेरी रात की 2 बजे की फ़्लाइट है, रात की 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है 2 तारीख की, तो मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि भाई लेट वेट हो, तो इसलिए थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे हम। ये ट्रिप पे हम दोनों भाइयों के साथ पोपट ही पोपट लिखे हैं, फिर से एक और पोपट हुआ, हम पहुंच गए चांग में रेलवे स्टेशन भाई, हम बहुत इंजॉय में। हाँ बट ये है, इस चीज़ को एज अ नेगेटिविटी नहीं लेते, क्योंकि भाई ले लिया तो हमें आगे बहुत अभी इंजॉय करना है ट्रिप, नहीं तो वही सारा स्पॉइल हो जाएगा, हम वो चाहते नहीं। यहाँ आओ ना चोको बूम जरूर। अब बताने तो दे क्या पोपट हुआ चचा भाई, तो हमारे साथ पोपट हुआ, ये देखो पीछे चांग राइज स्टेशन है, हमने सोचा जाएंगे ट्रेन में, एक्चुअली ना हम कल आए थे पता करने, जैसे आपने देखा होगा लास्ट वाले व्लॉग में, तो तब की तो टिकट मिल रही थी हमें, और अब हम पहुंचे यहाँ पे, उन्होंने कहा एक ही बंदे की टिकट है और वो भी थर्ड क्लास में, तो यार हमने थर्ड क्लास तो हमने आपको कल बता ही दिया कि क्यों नहीं करना था, जिसने नहीं देखा वो व्लॉग आई बटन में लिंक होगा जाके देख लेना। और ऑल दो भाई फिर हमने कहा कि यार जाना तो है ही बैंकॉक, क्योंकि भाई न्यू ईयर तो वहीं मनाना है, फिर हमने बस ऑप्शन सर्च किया, अराउंड 685 बात का बस दिखा रहा है, इंडियन रुपीज़ में 1500 से ज़्यादा हो जाएंगे अराउंड पर बंदे का, और मतलब लग्जरी बस है, ऐसा नहीं है थर्ड क्लास एसी वाली बस होती है लग्जरी, जिसमें मैं कहाँ से आए थे हम, पताया से बैंकॉक आए थे, जैसे आपने देखी होगी वैसे टाइप की रिक्लाइनर वाली मसाजर वाली बसेज होती हैं यहाँ पे, तो हमने कहा जाना तो है अब तो वहीं चलते हैं, फिर क्या करें, तो चलो फिर अब चलते हैं बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं बैंकॉक। तो भाई अगर आप थाईलैंड आके टुक टुक में नहीं बैठे तो आपने कहीं नहीं बैठे, तो अब हम बैठ चुके हैं एक्चुअल टुक टुक में, इसने हमसे लिया 100 बात यहाँ से बस टर्मिनल जाने की, और जो है अराउंड 8 मिनट की दूरी पर। तो पहुंच गए हैं बस टर्मिनल 3 पर, अब देखते हैं होपफुली मिल जाए, ऑनलाइन तो दिखा रहे हैं, हमने कहा एक बार यहां से जाके कंफर्म कर दिया, और यहीं से फिर डायरेक्ट टिकट ले लेंगे या ऑनलाइन बुक कर देंगे जैसा होगा। देख लो एक बार, ये है चांग मई में घूमने की जगह है, हमने कुछ घूमी कुछ नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था यार। ये देखो कोई स्टूपा टेम्पल, इसमें गए थे हम, इनमें गए थे, सब सिमिलर लगते हैं ना, तो याद नहीं आ रहा, ये इसमें आज हमने जाना था तो हम जा नहीं पाए, हमें सब एलिफेंट वाला करना था, ये भी अभी आपको मैंने बताया हो तो पाया नहीं, कर नहीं पाए बिकॉज वो ऑफिस ही मिल रहे थे, जगह लोकेशन मिली नहीं, और वो ऑल्डो पूरे दिन का टूर है, तो फिर पूरा दिन तो हमारे पास था नहीं, हमने सोचा था आज कर लेंगे, चलो अब कोई नहीं जितना घूमे। और भाई गाड़ी चेक करो यार, क्या गाड़ी है, कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई है भाई, इतनी मस्त गाड़ी है यार, यहाँ की फैन हो गया भाई मैं, क्या मॉडिफिकेशन कराते हैं लोग, क्रेजी भाई। बस टिकट मिली है हमें 694 रुपीज़ की एक बंदे की, अराउंड इंडिया के हो गए 1600 से भी ज़्यादा, और भाई एक ही टिकट, एक ही बस में टिकट थी,
ऑनलाइन भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑनलाइन शायद 5-10 बार कम, 617 की थी या 690, नहीं 674 समथिंग की थी ऑनलाइन या 694। अब पता नहीं, आगे पता भी तो चल गया कि बस में टिकट भी नहीं थी, दो ही थी सिर्फ, हमें मिल गई भाई, किस्मत किस्मत वाली बात है। एटलीस्ट चलो जाने का तो हमारा डन हो गया यहाँ से। ऑल तो भाई टिकट तो ले लिया हमने बस की, ये एक टिकट, और भाई फिर से हो गया है हमारे साथ एक और पोपट। आज भाई पोपट डे का नाम रख देते हैं, ये वाले व्लॉग में लिखेंगे पोपट डे। भाई इतने पोपट हो गए ना एक ही दिन में, मैं क्या बताऊँ। अब टिकट मिली हमें बस की, और वो भी कब की, रात को 9 बजे की, अब और अभी बज रहे हैं 5। अब हमें नहीं पता हम 4 घंटे क्या करेंगे यार, हमसे गलती हो गई, मैं पहले स्कूटी पे घूम रहा था तभी आगे, हमें पता कर लेना चाहिए था टिकट। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब आसपास यहाँ कुछ होगा घूमने को, या देखते हैं कुछ, हमारे पास कुछ करने को तो था नहीं, तो हमने कहा चलो एडिट ही कर लेते हैं, तो एडिट वेडिट करते हैं यार, व्लॉग देते हैं। ऑलरेडी सब कुछ लेट चल रहा है, अभी तक 3 ही व्लॉग गए हैं भाई, कम से कम ये चौथा कल छोड़ देंगे, देखें कोशिश रहेगी तो चलो एडिट खत्म करते हैं फटाफट। तो भाई ये भाई थे हमारे साथ, इन्होंने राइड करी थी कल, बाय 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 मैन बाय। भाई ये जो अभी आपने बाइक बाइक की फुटेज देखी, ये भाई ना हमें मिले थे जब हम चांगमई से चांगराई जा रहे थे राइड में, तो आपने देखी होगी बीच में फुटेज, उस टाइम हम ज्यादा शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्पीड में बहुत जा रही थी स्कूटी बाइक, तो इसलिए हम ना ज्यादा में शूट मैंने कम करा। ऑल्दो ये हमें सी ऑफ करने आए थे, हम बैंकॉक के लिए निकल रहे थे, और अब ये भाई निकल रहे हैं पाए के लिए, तो भाई बहुत मस्त बंदे हैं यार। चांगराई की राइड एंजॉय करी, चांगमई टू चांगराई इनके साथ हमने मस्त राइड एंजॉय करी, बहुत बढ़िया। अब ये देखो हमारा कूल स्ट्रेट बॉय, या इन द चैप मेरा ये टोपी भी इसकी है, चश्मा भी इसका है, अब तो बस 35 मिनट बच जाते हैं। अबे भाई तो तू मेरा है ना, अभी तो छोड़ रहे हैं, मैं भी तो चोपड़ा ब्रदर्स इन थाईलैंड। तुम्हारा भाई कर रहा था बस स्टैंड के बाहर बैठ के एडिट, एंड अब जा रहे हैं भाई, भूख लग रही है थोड़ी, कुछ खाने को लेने ऑन 7-11। भाई यार रोड वोड बहुत ध्यान से क्रॉस करनी पड़ती है, मतलब ऐसे नहीं कि आप इंडिया में जैसे कर लेते हो। और एक ये भी था भाई, मैंने कहा कि यार ट्रेन जर्नी भी कर ली, मेरा मन भी था कि भाई बस जर्नी भी कर लेते हैं चांगमई से वापसी में, ये भी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि बस ठीक है नहीं है। मैं आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस अपनी सीरीज़ में दे रहा हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो यार, थोड़ा प्यार बरसाओ भाई, इतनी दूर आया हूँ मैं 7 समंदर पार आपके लिए कंटेंट बनाने, बढ़िया बढ़िया आपको दिखा रहे हैं भाई, बढ़िया रोज़ अपने लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे यार, क्या करो, और इंस्टा पे फॉलो कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जाके जल्दी। अगर आप आते हो, मैं खाने का भी आपको बता देता हूँ, खाना यहाँ 7-11 से लोगे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और ये बर्गर आप खा सकते हो, चिकन वाला अच्छा स्टेक बर्गर है, और एक दो और भी, ये भी है शायद चिकन वाला टिक्की वाला है, और आजकल अभी मुझे ये वाला सैंडविच एक कहाँ गया यार, वो बड़ा बदतमीज सैंडविच है, गायब भी हो जाता है अपन का, तो भाई ऑर्डर ले लिया सैंडविच वगैरह मोमो शोमो, अब चलते हैं इसको खाते हैं फटाफट, और फिर थोड़ी देर तक बस में बैठेंगे। भाई देखो कितनी डेविल लग रही है, डेविल देखो, नेटफ्लिक्स तक के गिफ्ट कार्ड है, प्लेस्टेशन के तो चलो मिलते हैं इंडिया में भी, इवन नेटफ्लिक्स के गिफ्ट कार्ड, गेम्स के हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं। तो भाई मैंने इसको कहा कि अंदर चलते हैं भाई, रेस्ट करते हैं, कह रहा यार नॉर्मल सीट्स पे बैठने का मज़ा थोड़ी आता है, फिर हमने देख ली रिक्लाइनर, कह रहा भाई वर्थ इट चीज़ है, मैंने आप लोगों ने देखा होगा भाई 50 रुपये क्या, एक घंटा नहीं, अराउंड यहाँ तो 25 रुपये है, यहाँ तो 25 रुपये की है भाई, क्या बोल रहा है, 25 रुपये की मसाज भाई, बढ़िया से रिलैक्स हो जाएंगे। और ऑल्दो शायद हमारी बस वाली सीट मसाज वाली हो, तो और सोने पर सुहागा, देखते हैं। इसके अंदर यहाँ कॉइन डालना ना भाई, गेम नहीं खेली तूने बचपन में, वो पप्पी भी जाके, बस वही वाला हिसाब है, पप्पी भी जाके, हमारे वहाँ पप्पी आता है, तूने भी खेली है, भाई मजे ले रहा, मैं भी लेता हूँ यार, मैं भी करता हूँ। तो भाई चालू हो चुकी है मसाज, क्या रिलैक्सिंग है यार, जितनी बॉडी थकान हुई थी वो 25 रुपये में आप ठीक करवाओ भाई, बस मात्र 25 रुपये में मस्त मसाज कर रही है, ऑल्दो पैर पे इतना बढ़िया से नहीं काम करती। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 8:30-9 बजे की हमारी बस है, ये है क्या सामने वो? ओके, तो 2 से जाएगी हमारी बस, ये है क्या? तो चलो हमने काम कर लिया, अभी भी आधा घंटा है, तो और थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो भाई ये है कि जापान में ना अराउंड, मैंने ये देखा वहाँ पे ना 2070 ईयर चल रहा है, वहाँ पे उल्टा चलता है, और यहाँ पे भी भाई मैंने नोटिस किया थाईलैंड में भी हमारी डेट है 29/12, और यहाँ पे लिखा था 66 ईयर चल रहा है 66, और हमारे इंडिया में कैसे चलता है, जैसे अब इस टाइम 2024 आने वाला है, तो वहाँ पे चल रहा है वही 2023, यहाँ पे भी अलग है भाई, अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब है। अब दूसरी कंट्री ट्रैवल करी है ज़िंदगी में पहली बार, तो भाई काफ़ी चीज़ें पता लगी मुझे, होता भाई डंगरों की तरह खाया भी बाहर बैठ के, डंगरों की तरह मैं बता नहीं सकता तुम्हें, पेट फटने को हो रहा है, पर ये भी है ना हमें बस में ना, ये देखो ये कुछ ऐसी बस है इसमें मील मिलेगा, पर मील वो हम खा नहीं सकते, वो दूसरे
उसका है, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता। जो भी हम खाते नहीं है भाई वो चीज़, तो इसलिए हम वो प्रमोट भी नहीं करते, तो मैं क्यों बोल के उसको प्रमोट करूँ। और तो अब मतलब हमारे टाइप का खाना नहीं है जो यहाँ के लोग खाते हैं, लोकल खाना वो मिलेगा उनको। तो फिर हमने कहा अभी खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे पास मैं वो लेके आया था रेडी टू ईट, तो वो देखेंगे अगर कहीं रुकवाई बस तो वो खा लेंगे। भाई आ गई हमारी बस, फटाफट बोर्ड करते हैं। आ गया ना, यही ना, पहले देख एक बार, दिखाई नंबर नहीं लिखा, चेक करते हैं। मेरे ख्याल तो यही होगी यार, और कोई लग ही नहीं सकती इसी टाइम पे। ड्राइवर है ये, किसी एंगल से लग रहे हैं बस ड्राइवर, ऐसा लग रहा भाई कि पायलट है, प्लेन उड़ाने जा रहे हैं। बस ड्राइवर लग रहे किसी एंगल से, नहीं पायलट, पायलट लग रहे थे भाई, प्लेन उड़ाने यहाँ पे भाई। जब हम बैंकॉक गए थे, हर प्रोफेशन में कितनी इज्जत बख्शी हुई है, मैंने ये देखा है, हर चीज़ में कितनी रिस्पेक्ट है, और बंदे लगन की शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं, मैंने ये देखा है भाई। लगेज वगैरह हमने चेक इन करा दिया है, और अब हम चल रहे हैं बस के अंदर बैठने। तो भाई ये देखो चार्जर है, अबे तो हाँ होगा ना, यहाँ पे टीवी सब है, टीवी शीवी भी है मिनी, बट हमारे को तो एडिट करना है यार, हमारा क्या काम है। मेरे दूई के पीछे को डाल रहा है खाली। और हमने ली सबसे आगे की सीट, बढ़िया यार, और इसका प्राइस है अराउंड 1600 रुपीज़। हमारी बस चल पड़ी है हमारी, अब हम निकल रहे हैं बाय बाय फाइनली। बाय बाय करो चेंगमाई को, चेंगमाई को बाय बाय कर दो, बाय बाय चेंगमाई, बाय बाय बाय। इसके साथ चलते के साथ हमें पहले स्नैक्स मिले, क्या ये कुकीज, ये क्या, नहीं कुकीज नहीं है, दोनों ये केक टाइप है, केक दोनों। मेरे को ये तो समझ आ रहा है चॉकलेट वाला, ये नहीं समझ आ रहा, इसके बीच में वो डला हुआ है फ्रूट का कोई पेस्ट। चल तू पहले टेस्ट कर, ये हम इसको मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है, पहले इससे टेस्ट करवाता हूँ फिर मैं कुछ खाता हूँ। ये है एंटरटेनमेंट सिस्टम, एंग्री बर्ड। अच्छा एंग्री बर्ड गेम भी है, पर इतना तो स्लो है साले, इससे बढ़िया तो फोन है हमारा। अरे देखो ये तो कल तक ही खुलेगा रे भाई, ये तो चचा अटक के गेम्स हैं। यहाँ अंदर इंग्लिश में आ रहा है, बाहर वो आ रहा था वेले बैठे। अबे हिल क्लाइंब खेल ले, टाइम भी आ जाता है भाई, भाई 10 घंटे की हमारी जर्नी है, अगला खेल लेगा थोड़ी देर। देखो आ गया, ओ हाँ जो हाथ में, हाथ में नहीं आता तो भाई हेलो, 700 बात नहीं है, 7000 बात नहीं दी है, तो भाई ये देखो ये स्नैक मिला था, पता नहीं पेड़ के झींगे ये लग दे ना की है गाइस, तू मीठा साले, अभी ये मीठा। चलो भाई इसको ट्राई करके देखते हैं, ये तो मुझे बहुत अलग ही लग रहा है, इसको तो मैं नहीं खाने वाला, इसको खा के देखते हैं। ये चॉकलेट पाई है सारे, खाना बाद में देते हैं मीठा पहले देते हैं, अजीब सिस्टम है भाई। ये बहुत बेहतर है, ये थोड़ा सा बढ़िया है, खा रहे हैं मस्त। I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though. बस रुक गई है, एक ने कुछ खाने को मिलता नहीं तो रेडी टू ईट निकालते हैं अगर। तो भाई पता नहीं वहाँ क्या था खाने को, बहुत कुछ अलग सा था, स्मेल आ रही थी तो मैं खा नहीं पाया, तो मैंने कहा स्टोर है तो वहाँ चलते हैं अंदर, कुछ वहाँ से लेके आते हैं खाने को। तो टिकट के अंदर एक मील था, तो ये काई मिला है हमें, काई चिकन भी कहते हैं यहाँ पे, तो चलो खा के देखते हैं कैसा है भाई। तो खाना वहाँ पर मेरे को नहीं समझ आया तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा भाई ये लाने का फायदा हो गया, अभी भाग भाग बस भाई बस चली जाती पर किसी तरह भाई पानी वानी गर्म करवा लिया, इसको फटाफट खाते ही सब। तो भाई पहुँच चुके हैं, और भाई क्या मस्त सनराइज मिली तभी, क्या मौसम भाई, सुबह के बज गए हैं 7 और हम पहुंच गए हैं बैंकॉक के बस स्टैंड पर। ऑल दो भाई मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड भी लगा दिया, थंबनेल बनाना है वो भी देखता हूँ अगर टाइम मिला, जस्ट अभी 10 मिनट का काम है वो करके, उसको भी व्लॉग को लाइव कर देंगे फटाफट। तो इसी के साथ मैं इस गुड नॉट पेस्ट व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, जल्दी मिलते हैं किसी नए ट्रैवल व्लॉग में, यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, बाय।